लोकी सीजन 2 का तीसरा एपिसोड आ चुका है जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड था ही हू रिमेंस के वेरिएंट विक्टर टिमली की स्टोरी के ऊपर। बेसिकली अगर शॉर्ट में कहा जाए तो यह तीसरा एपिसोड पूरी तरह से बेस्ड था ही हू रिमेंस की ओरिजिन स्टोरी के ऊपर, क्योंकि यह इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। एपिसोड में हमें कैंग के सीक्रेट प्लान का हिंट भी मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आखिर वो प्लान क्या था। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि मिस मिनट और रवोना दोनों ही सीक्रेट टाइमलाइन में पास्ट में जाते हैं, जहां पर कैंग के वेरिएंट विक्टर टिमली को उसके बचपन में ही वो लोग टीविया के गाइडलाइन वाली बुक दे देते हैं ताकि वो मल्टीवर्स के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी गेन कर सके और टाइम आने पर ही हू रिमेंस की जगह भी ले सके। लोकी और मोबियस भी रवोना के टेम्पलेट को ट्रैक करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं ताकि वहां से वो मिस मिनट को लेकर फिर से टीविया में आए और टीविया में टेम्पोरल लूम की वजह से जो भी प्रॉब्लम है टीविया खत्म होने वाला है उसे ठीक करके टीविया को बचा सके, लेकिन उन्हें वहां पर उस टाइमलाइन में कुछ नहीं मिलता है। जिसके बाद वो टाइम में थोड़ा आगे जाते हैं जहां पर उन्हें रवाना के साथ साथ विक्टर टिमली भी मिल जाता है, लेकिन इन सबसे पहले यहां पर एक फनी सीक्वेंस भी देखने को मिलता है मोबियस और लोकी का, जो कि देखते हुए आपको काफी बढ़िया लगेगा। अब उस टाइमलाइन के अंदर रवाना को देखने के बाद जब उन्हें विक्टर टिमली दिखता है तब लोकी मोबियस से कहता है कि यह उसी का वेरियंट है। तब मोबियस लोकी से कहता है कि कौन, तब वो कहता है कि यह ही हू रिमेंस का वेरिएंट है और इसी के टेम्पोरल ओरा से हम टीविया को बचा भी सकते हैं टेम्पोरल लूम को ठीक करके। लोकी और मोबियस विक्टर टिमली को लेने जाते हैं ताकि वो टीविया को बचा सके, लेकिन इतने में वहां पर आ जाती है सिल्वी जो कि कैंग के उस वेरिएंट को भी मारना चाहती है। इन सब बातों को लेकर के काफी सारे पंगे भी होते हैं इस पूरे एपिसोड में, लेकिन आखिर में सिल्वी लोकी और मोबियस की हेल्प करती है उसे टीविया में लेकर जाने के लिए और मोबियस एंड लोकी दोनों ही उस कैंग वेरिएंट को लेकर के टीविया में चले जाते हैं। सिल्वी रवोना को टाइम के एंड में भेज देती है जहां पर उसने ही हू रिमेंस को मारा था पहले सीजन में। अब क्या लोकी और मोबियस टीविया को विक्टर टिमली की हेल्प से बचा लेंगे या फिर उनके ऊपर और भी बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि अब कैंग का वेरिएंट खुद टीविया में मौजूद है। यह सब हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चली जाएगा। ओवरऑल यह एक डिसेंट एपिसोड था जिसमें हमें एक्शन तो बिल्कुल न के बराबर देखने को मिला है, स्टोरी भी कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। यह पूरा एपिसोड विक्टर टिमली की स्टोरी पर भी ज्यादा ध्यान दे रहा था। जो बात पूरे एपिसोड में मुझे खास लगी वो थी अगेन लोकी और मोबियस का बातें करना, उन दोनों की नोकझोंक और उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है वो, यह सब देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। हमें जब भी दोनों एक साथ स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं वो हमें बिल्कुल भी बोर होने नहीं देते। ये पूरा एपिसोड इतना बढ़िया है कि पता ही नहीं चलता कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही एपिसोड खत्म होता है वो हमारे माइंड में न जाने कई तरह के सवाल छोड़ के चला जाता है जिनके जवाब प्रोबेबली हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएंगे। आखिर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये थर्ड एपिसोड काफी बढ़िया था, एंटरटेनिंग था और हमें पूरी तरीके से मजा देता है, वो भी ओल्ड मार्वल वाला। इसको देखने के बाद तो अब आगे आने वाले एपिसोड के लिए हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपने यह एपिसोड देखा है तो कॉमेंट में बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि इस सब कांड के पीछे रवोना का हाथ हो सकता है। जो भी हो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it.